और बताओ कैसा हाल हुआ? घर से जा रहे थे, हमने सोचा कि राजा के घर घूमने आए। और सुनाओ राजा भाई? हम तो ठीक है, तुम बताओ? और तुम बताओ? हम तो ठीक है। और बताओ राजा, क्या घर में क्या चल रहा है? चलो तो एक एक कप चाय हो जाए। हाँ जाओ जाओ। सुनो जी, कहाँ वो? बाहर आने दो, बाहर आने दो, बाहर। हाँ बोलो। क्या है? हमारे फ्रेंड आया, उनके लिए चार कप चाय बना। ठीक है, चीनी तो है नहीं है, बस तुम बना दो, बाकी का हम ठीक है अभी बना के ला। बाकी की मैं संभाल लूंगा, तुम बना दो चाय। बैठ जाइए बेटे, पीछे वालों को नहीं दिख रहा है। क्या कर रहे हो? भगा था फिर पीछे से। और भाई बैठ के नहीं दिख रहा आपको? और राजा भाई कैसे हालचाल है? हम तो बढ़िया, तुम बताओ? ठीक है। और सुनाओ रहा है कैसा हो रहा है? तुम बताओ कैसे हो? और तुम सुनाओ राजा भाई? तुम रुको, हम चाय लेके आते हैं। उतार ले, खोल ले, खींच के खींच, छोटी वाली खींच पकड़ के इधर से बाहर से। बन गई चाय? बन गई चाय? अभी मत पीना। क्यों? एक बात बता। हाँ तुम तो हर बार एक नई बात बताते हो, नया फार्मूला सुनाते रहते हो। अब बताओ क्या है? चलो ये पहले चाय पी। देखिए पीना मत अभी, समझाने के लिए। अभी आपने सुन लिया थोड़ी देर पहले कि इनके यहाँ पर फ्रेंड आ गए और वो ऐसे वक्त पर आए हैं कि घर में चीनी खत्म हो गई। अचानक अक्सर हो जाता है ऐसे घरों में। तो अब दोस्त भी ऐसे आए कि मुंह करके चाय मांग रहे हैं, तो बनाना भी जरूरी है, टाल भी नहीं सकते। जब उन्होंने चाय मांगी तो अंदर जाकर कहा गया चाय के लिए, तो उन्होंने बता दिया गया कि चीनी नहीं है। तो इन्होंने कहा कि आप बस चाय बना दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। अब ये कैसे संभालते हैं आप लोग आगे देखें। सुनो, जिस किसी की भी चाय पी के निकली उसके घर हमारा कल लंच है, मतलब कि दावत है। ठीक है, इधर से शुरू करो। मेरी चाय तो बहुत मीठी है। ये इसलिए मीठी है क्योंकि कल दावत करानी पड़ेगी ना अपने घर। अरे भाई तुमसे ज्यादा तो मेरी मीठी है। अरे सर, तुम दोनों से ज्यादा तो मेरी मीठी है। मुझे तो इस बात का डर है कहीं डायबिटीज ना हो जाए।